फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको फिर से एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट बताने वाली हूँ, जो बिल्कुल सबसे अलग है और बहुत ही आसान तरीके से इसको आप बना लोगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो कलर लिए हैं और 9 नंबर सिलाई ली हुई है। बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको डोरमेट बताऊँगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ ये हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्रीम कलर से बनाएंगे और इस तरह से हमने एक फंदा डालना है। ये देखिए, एक ही फंदे से हम बुनाई करेंगे। ये देखिए, आप किसी भी इसे पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। आपके पास पुरानी चुन्नी और साड़ी पड़ी हुई है घर में तो आप उससे भी इसे बड़े आराम से बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 3 फंदे कर लिए हैं ये। इसके बाद ये देखिए, हमने इस तरह से सिलाई पे चढ़ाते हुए हर बार दोनों तरफ से फंदा बढ़ाना है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से, इसी तरह से मैं इसको बना के कंप्लीट करूंगी। ये देखिए, मैं इसी तरह से इसको यहाँ पे बनाती हुई जाऊंगी, दोनों तरफ से फंदे बढ़ाते हुए जाएंगे। ये बिल्कुल आसान है। तो इसी तरह से मैं इसमें 10 सिलाइयाँ बनाऊंगी और 22 फंदे हम बढ़ा लेंगे। इसके बाद हमने जिस तरह से हम इसको बढ़ा रहे हैं उसी तरह से हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए जाना है। तो इसको हम इसी तरह से पूरा बना के कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारी 10 सिलाइयाँ हो जाती हैं। इसके बाद हम घटाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम इसी तरह से जिस तरह से आपको बढ़ा हुआ बता रहे हैं दोनों तरफ से इसी तरह से घटाना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल आसान है। बढ़ाते हुए जाएंगे, 22 फंदे यहाँ हो जाएंगे और ये इस तरह से हमारी ये 10 सिलाइयाँ हो जाएंगी। इसके बाद हम देखिए, इस तरह से मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, इस तरह से हमने दोनों तरफ से फंदे एक एक घटाते हुए जाना है। जब हम इस तरफ आएंगे तो इसी तरह से इस तरफ भी हम एक फंदा घटाएँगे। तो इसको हम इसी तरह से बना के कम्प्लीट कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। मैंने इसको इसी तरह से बना लिया है, 10 सिलाइयाँ यहाँ तक हमने बना ली हैं। इसके बाद मैंने यहाँ से दोनों तरफ से फंदे घटाए हैं, एक फंदे तक हम घटाते हुए चले गए। तो इस तरह से ये 20 सिलाइयों की पट्टी इस तरह से बन गई है। आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा भी आप बना सकते हैं। तो चलिए हम इसी तरह से और भी पत्तियाँ बना लेते हैं, इसके बाद हम आपको फिर दिखाते हैं। यहाँ पर हमने 10 सिलाइयों की इस तरह से ये पत्ती बना के कम्प्लीट कर ली है। ये 2 कलर में हमने बनाई हुई है। 10 सिलाइयाँ मैंने यहाँ से मूंगिया कलर से बनाई हैं और 10 सिलाइयाँ ब्लैक कलर से ऊपर फंदे घटा दिए हैं। ये देखिए, और जितनी यहाँ पे ब्लैक कलर की आधी पट्टी लगी हुई है उसी तरह से मैं 4 पत्तियाँ खाली ब्लैक कलर की इसी तरह से बना के कंप्लीट करूँगी, आधी आधी। ये देखिए, जिस तरह से ये आधी आधी पत्ती, यह हमने ये नहीं लगाना है। 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद पूरे फंदे हमने घटाने हैं। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, यहाँ पे हम ब्लैक कलर की एक ही फंदा डाले हैं और ये देखिए, इसी तरह से आधी पत्ती को हम बना के कंप्लीट करेंगे दोनों तरफ से फंदा बढ़ाते हुए। जिस तरह से इसमें आधी पत्ती ये ब्लैक कलर की दिख रही है उसी तरह से, तो हम यहाँ पे 10 सिलाइयाँ बनाएंगे। इसके बाद सारे टोटल फंदे घटाएंगे। ये देखिए, तो मैं इसमें 10 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने फंदे घटाने हैं। बनाना सेम उसी तरह से जिस तरह से मैं आपको ये बताई हुई हूँ। ये मैंने पूरी पत्ती को बनाया है, ये मुझे आधी ही पत्ती बनानी है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं। ये 10 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। इसके बाद हम यहाँ पे हमने पूरी पत्ती को बनाया, इसके हम हाफ बना रहे हैं इसको। तो यहाँ पे हम सभी फंदों को घटा देंगे इस तरह से
और मुझे ये चार पत्तियाँ इसी तरह से आधी आधी बनानी है। ये भी मैंने चार बनाई है, ये मैंने सिंगल बनाई हुई है क्रीम कलर की, और ये वाली मैंने चार बनाई है, और इसको भी मैं चार पत्तियाँ बना के कंप्लीट करूँगी इसमें। ये देखिए सभी फंदे हमने 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद घटा देनी है। अगर आप इसमें बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा सिलाइयाँ बना के बड़ा भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम इसी तरह से सभी फंदे घटा लेते हैं और हम इसको चार पत्तियाँ बना के कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये चार पत्तियाँ बना ली हैं इस तरह से, ये देखिए आधी आधी हमने पत्तियाँ बना ली हैं, 2 3 4। तो ये चार पत्तियाँ हमने बना ली हैं। इसके बाद हमने ये भी चार पत्तियाँ बनाई हुई हैं, ये देखिए 1 2 और ये 3 4 और पांचवी पत्ती ये हमारी ये है, ये वाइट कलर की। आप इसमें कोई भी कलर अपना पसंद का ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ये पूरी 9 पत्तियाँ बना के कंप्लीट कर ली हैं। तो इसके बाद मैं बताऊँगी आपको किस तरह से ये हमने इनको रखना है। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे, ये देखिए 2 पत्तियाँ मैंने इस तरह से रखनी है। इसके बाद हम ये देखिए 2 इस तरह से रखेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से रख ली है, ये इस तरह से ये 5 पत्तियों को रख लिया है। अब ये हमने जो 4 पत्तियाँ आधी आधी बनाई हैं इनको हम इस तरह से रख लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे ये काफ़ी सुंदर हमारा डोरमेट बनके कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। आप इसमें अपने हिसाब से बड़ी छोटियाँ पत्तियाँ बना करके आप बना सकती हैं इसको। तो चलिए मैं अब इसको सिलाई कर लेती हूँ, यहाँ पे आपको फिर दिखाती हूँ। उल्टी सभी पत्तियों को उल्टा रख लिया है। इसके बाद हम ये देखिए यहाँ से एक ही धागे से मैं चारों तरफ की सिलाई कर लूँगी, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हम एक ही धागे से सबकी सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल आसान है सिलना भी, ये देखिए हर चैन में से निकालते हुए मैं यहाँ पे सिलाई कर लेती हूँ। तो इसको मैं सिल लेती हूँ इसी तरह से। यहाँ पे डोरमेट बनके कंप्लीट है, इसको हमने चारों तरफ लेस भी लगा दी है। ये हमने आसानी से सिल लिया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, बनाने में बिल्कुल आसान है। ये जो लेस मैंने लगाई हुई है ये बहुत आसान है, मैंने काफ़ी वीडियो में आपको बताया हुआ है। अगर आपको नहीं भी आती है तो मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊँगी किस तरह से हमने इसको बनाया है। तो आज का डोरमेट ये टेबल मैट पसंद आए आपको तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।